नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है मनोज जरांगे पाटिल का, मराठा आरक्षण का। जहां मराठा आरक्षण की बात करूं तो राज्य सरकार ने 10% जो है मराठाओं को आरक्षण बिल पास कर दिया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर मनोज जरांगे क्यों अपना उपोषण पीछे नहीं ले रहे हैं, क्यों अपना आंदोलन पीछे नहीं ले रहे हैं, आखिर उनको ओबीसी कोटे से कैसे दिया जा सकता है। इन्हीं सब विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में है सीनियर एडवोकेट विवेक जोशी जी। हम इसे जानेंगे कि जो कानूनी प्रक्रिया क्या है इसके पीछे, क्या ये 10% जो राज्य सरकार ने बिल पास किया है आरक्षण का, क्या ये कोर्ट में टिक पाएगा? अगर टिक पाएगा तो इससे मराठा समाज को कितना फायदा होगा? सर, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल में। धन्यवाद। क्या कहेंगे सर, ये मराठा आरक्षण का पेज जो है काफी उलझा हुआ लग रहा है। एक तो सरकार ने जो है कह रही है कि हमने अपना वादा पूरा किया, 10% जो है आरक्षण हमने मराठाओं को दे दिया है, और अब मनोज जरांगे पाटिल बोल रहे हैं हमने जो मांगा था वो बिल्कुल नहीं, हमारे मन के मुताबिक नहीं पास हुआ है, आंदोलन हमारा लगातार जारी रहेगा। अरे 24 तारीख से तो रास्ता रोको आंदोलन पर उतर रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस पर? क्या सरकार ने जो कहा था वो नहीं किया? सरकार ने जो कहा था वो कर दिया। सरकार ने आपको बोला था हम आपको रिजर्वेशन देंगे, जो आप मांग रहे हैं 10%, अब उन्होंने मराठाओं को रिजर्वेशन दे दिया जी। तो रिजर्वेशन तो मिल गया। अब आपका जो प्रश्न है कि ये कोर्ट में टिक पाएगा या नहीं टिक पाएगा, उसका उत्तर मैं ये देता हूँ कि सर इसके दो उत्तर हैं और ये दो तरह से सुलझाया जा सकता है। पहला तो ये है कि सर जो इंदिरा सहाने का जजमेंट है, जो 9 बेंच का जजमेंट है जिसमें 9 जजेस साथ में बैठे थे और उन्होंने 50% की कैपिंग लगाई जी, वो जजमेंट को 11 बेंच पर रेफर कर दिया जाए या सुप्रीम कोर्ट एग्री कर ले कि भाई अब हम इस जजमेंट को हम दोबारा सुनते हैं और अब कुछ जो है फैक्ट चेंज हो गए हैं, लॉ चेंज हो गया है, तो अब रिजर्वेशन बढ़ाने की जरूरत है, तो जैसे वो खुलेगा तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है जी। नहीं तो एक तरीका और है जो मैं इसको करने का, वो मैं आपके वीडियो के एंड में बताऊंगा ताकि आपके दर्शक जो हैं वो चीज समझ सकें और बाकी के जो लोग हैं वो भी इस चीज को समझ सकें कि ये पॉसिबल है और कैसे पॉसिबल है वो दूसरी तरह से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं सर कि ये जो आरक्षण का मुद्दा है ये कोई पहली बार सुप्रीम कोर्ट में नहीं गया है या आखिरी बार सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा रहा है, ये जाता रहेगा। 1962 से सुप्रीम कोर्ट में कहीं ना कहीं आरक्षण का मुद्दा चैलेंज ही होता आ रहा है। जैसे 1962 में M.R. बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर का जजमेंट आया था, तो इस जजमेंट में सबसे पहली बार 50% आरक्षण की कैपिंग करी गई थी कि आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। उसके बाद 1963 में फिर ये एक और जजमेंट जिसमें T. Devadasan वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें फिर 50% जो है उसको उसमें 50% की बात आई और 50% को माना गया, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो रिजर्वेशन इस साल पूरी सीटें नहीं भर पाई उन्हें आप अगले साल कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते जी। ये भी जजमेंट आया। तो आप देखिए 2 ईयर कंसिस्टेंटली सुप्रीम कोर्ट ने 50% की कैपिंग मेंटेन करी। फिर तीसरी बार स्टेट ऑफ केरला वर्सेस N.M. Thomas, ये जजमेंट जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो 1975 की बात है, इसमें 5 जजेस की बेंच थी जिसमें पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, 5 में से 2 जजेस ने ये बोला कि 50% की जो लिमिट है वो एब्सोल्यूट नहीं है, सिचुएशन आएगी तो उसे चेंज किया जा सकता है, बट फिर भी 50% की लिमिट मानी। फिर 1985 में दोबारे केसी वसंत कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का जजमेंट आया जिसमें पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने एफिशिएंसी के ऊपर बात करी और 50% की लिमिट मानी। आखिर में जिसको कहते हैं ना नेल इन द कॉफिन जी, वो सुप्रीम कोर्ट ने ठोक दी। 1992 में इंदिरा सहाने का जजमेंट आया जिसमें उन्होंने कह दिया 50% से ऊपर की जो कैपिंग है वो मान्य नहीं है, 50% ही रहेगा। तो अब ये इंदिरा सहाने का जो 9 जजेस की बेंच का जो जजमेंट है, या तो सुप्रीम कोर्ट इसे रिव्यू करने के लिए तैयार हो जाए, या फिर जैसे 2018 में मराठा आरक्षण में जो लोग गए थे रेस्पोंडेंट के महाराष्ट्र सरकार, तो उन्होंने ही आर्ग्यू किया था कि इंदिरा सहाने का जो जजमेंट है वो प्रॉपर्ली डिसाइड नहीं हुआ, तो या तो ये 11 जजेस की बेंच पे जाए या सुप्रीम कोर्ट इसे रिव्यू करने के लिए तैयार हो जाए जी, नहीं तो ये नहीं होने वाला। तो सर अभी जो अगर नहीं हुआ तब क्या होगा? क्या सरकार ने जो है इसके ऊपर स्टडी किया होगा कि हो ही जाएगा ये? नहीं, अभी सरकार का देखो सर, अगर सुप्रीम कोर्ट इस बात को नहीं मानता, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई मैं तो सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम ही है जी जी, अगर वो कहते हैं कि भाई हम नहीं अलाउ करेंगे, जो लॉकिंग है उसको नहीं खोलेंगे, उसको हम नहीं खोलेंगे, तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन उसके बाद भी एक तरीका है इसको करने का। देखिए हिंदुस्तान के संविधान में एक शेड्यूल 9 करके एक शेड्यूल है, अलग अलग शेड्यूल है। शेड्यूल 9 में कुछ ऐसे लॉ रखे गए हैं
जिनको रखने के बाद उन लॉज को किसी भी कोर्ट में कभी चैलेंज नहीं करा जा सकता। ये सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर के लॉज इसमें रख सकते हैं, लेकिन इसमें सेंटर की भूमिका बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो अगर महाराष्ट्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट से किसी तरह की डील क्रैक करे और ये जो 10% का जो उन्होंने आरक्षण अभी नया बिल बना के दिया है, इस बिल को वो शेड्यूल 9 में रख दे, तो फिर उस बिल को चैलेंज नहीं किया जा सकता सुप्रीम कोर्ट में। तो महाराष्ट्र में जो है 60% या 62% का आरक्षण की स्थिति आ जाएगी जी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर में मनोज जरांगे पाटिल जो मराठाओं को आरक्षण देना चाहते थे, सरकार ने दे भी दिया, लेकिन वही क्यों हट करके बैठे हैं कि उनको कुनबी से ही चाहिए, कुनबी जाति प्रमाण पत्र से ही चाहिए? ऐसा क्या लगता है कि उनको ओबीसी से उनको ज्यादा फायदा है? देखिए, मनोज जरांगे पाटिल साहब जो है वो तो एक पॉलिटिकल लीडर है, लेकिन आज आप ये समझिए कोई भी पॉलिटिकल लीडर बगैर पॉलिटिकल लीडर नहीं है, मैं आपको यहाँ टोकूंगा, वो एक साधारण कार्यकर्ता है और वो सिर्फ मराठा आरक्षण को न्याय दिलाने के लिए वो मैदान में उतरे हुए हैं। अब उनको सपोर्ट करने के लिए पॉलिटिकल लीडर लग गए हैं, तो इसलिए उनको पॉलिटिशियन बना दिए। जो व्यक्ति जी कोई भी मुद्दा लेके सड़क पर आज उतर जाए जी, आने वाले टाइम का वो भविष्य का पॉलिटिशियन ही है। हम भविष्य का बोल सकते हैं, अभी मौजूदा में पॉलिटिशियन नहीं बोल सकते। मौजूदा में उनको मैं पॉलिटिशियन नहीं कहूंगा, लेकिन क्योंकि वो कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, वो एक मुद्दे की बात कर रहे हैं। लेकिन आप ये समझ लीजिए कोई भी मुद्दा बगैर राजनीति के रह नहीं सकता, नहीं रह सकता। तो यहाँ ये कहीं ना कहीं मराठा और नॉन मराठा की राजनीति है। अब इसमें जो है मनोज जरांगे पाटिल जो है, जब वो सड़क पर उतरे तो सर उन्होंने अपनी बैकिंग पूरी करी होगी। आज की डेट में कोई भी अभिनेता, कोई कॉर्पोरेट वाला या इस तरह के जो आने वाले समय में लीडर जो बनेंगे, उनको अगर आप कहेंगे तो ये लोग कहीं ना कहीं लीगल बैकअप लेके चलते हैं। तो इनको किसी ना किसी लीगल ब्रेन ने तो बताया होगा कि साहब ये अगर इन्होंने 10% आपको एक्स्ट्रा दे दिया जैसे पहले दिया था, ये तो कोर्ट में खड़ा नहीं होगा जी। तो इसलिए वो कह रहे हैं क्योंकि यार तुमने दे तो दिया, लेकिन ये देना और नहीं देना एक बराबर है, तो इसका कोई फायदा नहीं है जी। लेकिन सरकार ने तो गारंटी लिया है कि 10% हमने जो दिया है वो कोर्ट में टिकेगा, ऐसा करके दिया है। देखिए, गारंटी सरकार की उसी कंडीशन में खरी उतर सकती है जब स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कोई डील कर ली हो कि हमारा ये जो बिल जब से भी लागू होगा तुम इसे शेड्यूल 9 में रखोगे। जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 9 में ये बिल आ जाएगा, इस बिल को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता जी, तो फिर ये चीज जो है ये एक्सेप्ट हो जाएगी। लेकिन हमारा सवाल यह था कि आखिर में जो मनोज जरांगे पाटिल है वो ओबीसी की जिद भी क्यों बैठे हुए हैं, क्या उनको उसमें ज्यादा फायदा दिख रहा है? मेरे को तो लगता है कि सर रिजर्वेशन में ही फायदा नहीं है किसी को आज की डेट में। मैं फिर से पुरानी बात पर जा रहा हूँ जो मैंने पहले कहा था कि रिजर्वेशन जो है आज एजुकेशन में आप रखो तो ठीक है, नौकरी तो रिजर्वेशन किस में है? सरकारी नौकरियों में ही है ना, प्राइवेट नौकरियों में तो रिजर्वेशन नहीं, सरकार के पास नौकरियां नहीं है। और आप एक बात आप समझ लो कि इस तरह के जो मुद्दे हैं आज की डेट में, जो रिजर्वेशन के मुद्दे हैं या अभी वो जो पंजाब के किसान बैठ के कर रहे हैं, हिंदुस्तान जो है आजकल इन मुद्दों से दूर जा रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान एक नौकरी करने वाली इकोनॉमी से मूव करके एक एंटरप्रेन्योर बेस्ड इकोनॉमी में जा रहा है। आज की डेट में कोई बच्चा जो है वो नौकरी नहीं करना चाहता। आज आप किसी से बात पूछोगे तो कुछ ना कुछ नया करना चाहता, कुछ नई दुकान चलाएगा, नया बिजनेस करेगा। तो जब किसी को इंटरेस्ट ही नहीं होगा इस चीज में तो वो करके क्या करेगा जी। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि जो ये आंदोलन ही गलत है। मैं आंदोलन को गलत नहीं मानता सर, मैं ये नहीं कह रहा कि आंदोलन गलत है, आंदोलन अपनी जगह पे सही है, लेकिन सरकार की जो मंशा है, चाहे वो महाराष्ट्र की सरकार हो या कल ऐसी समस्या किसी और जगह भी आ जाए, आप जब किसी विशेष वर्ग को, किसी पिछड़े वर्ग को अगर आपको तैयार करना है कि वो मुख्य धारा में आए, जैसे सर जो अपने अम्बेडकर जी थे, डॉक्टर अम्बेडकर साहब, बाबा साहब ने जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बहस चल रही थी तो उन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वलिटी और इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के ऊपर बहुत जोरदार बहस करी थी, जिसकी वजह से ये आरक्षण जो है मान्य हुआ था। अभी आज आप किसी को अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं इक्वलिटी इन अपॉर्चुनिटी, मान लीजिए आज की डेट में जज बनने की अपॉर्चुनिटी है किसी के पास जी, तो भाई वो LLB पढ़ा हुआ तो होना चाहिए, बिल्कुल, तब तो वो बनेगा। अब आप ऐसा नहीं कह सकते कि सर मैंने LLB नहीं पढ़ी और मुझे जज बना दो या मुझे वकील बना दो। तो वैसे जैसे आज आपकी पत्रकारिता का है, आज की डेट में मास कम्युनिकेशन जो है पढ़ा होना बहुत जरूरी है। तो सर कहना यह है कि रिजर्वेशन अगर देना है तो रिजर्वेशन आप जिनको चाहिए उनको जरूर दीजिए, लेकिन एजुकेशन के क्षेत्र में देखें उनको, जब वो अपॉर्चुनिटी आए तो उसमें वो इक्वल कॉम्पिटिशन दें,
अब उस समय पे जब ये रिजर्वेशन आया था, जब 1947-50 में जब भी ये चला था, तब उस समय पे क्या समस्या थी सर? सारा काम तो सरकार करती थी, सारी फैक्ट्रियां सरकार के पास थी। आज सरकार तो धीरे धीरे बिजनेस में से हट रही है, तो इन बच्चों को जिनको आप रिजर्वेशन दे रहे हो, इनको नौकरी कौन देगा? ये तो फिर वैसे ही है बिल्कुल। तो इनको आप तैयार कीजिए ताकि जब प्राइवेट सेक्टर में उस तरह की नौकरी लगे तो ये अपने साथ के बच्चों के साथ कम्पीट कर सके। तो इनको एजुकेशन देना बहुत जरूरी है। मेरे को ऐसा लगता है कि मनोज जरांगे साहब को अपनी डिमांड ट्विक करनी चाहिए और उन्हें कहना चाहिए कि भाई महाराष्ट्र में जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उसमें मराठाओं को 10% रिजर्वेशन और दिया जाए, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। और अंत में क्या कहने वाले थे कुछ आपने? अंत में मैं यही कहने वाला था सर, मैंने कह दिया कि जो अगर ये जो बिल अभी आदरणीय शिंदे साहब और फडणवीस साहब ने जो पास करवाया है विधानसभा में, अगर इस बिल को संविधान के, यानी कि ये संविधान जो है हमारे देश का जो बाबा साहब अम्बेडकर जी का बनाया हुआ संविधान है, अगर इस संविधान के शेड्यूल 9 में डाल देंगे तो ये जो 10% आरक्षण है ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर पाएगा कोई भी, और उस केस में ये हो जाएगा। और शायद इस बार मेरे को ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र सरकार की और सेंट्रल गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं डील होगी। जैसे एक बार पहले तमिलनाडु में आज 69% रिजर्वेशन है, किसी ने चैलेंज नहीं करा जी। क्यों नहीं चैलेंज करा? क्योंकि तमिलनाडु ने जब रिजर्वेशन करा, एक्स्ट्रा रिजर्वेशन करा 19% का 50% के ऊपर, तो तमिलनाडु ने अपने बिल को शेड्यूल 9 में रखवाया। बिल्कुल, अगर इसी तरह से महाराष्ट्र की सरकार उसको अपने बिल को शेड्यूल 9 में रखवा ले तो आप निश्चित तौर पर मानिए ये सच्चाई होगी और 62% या 60% का जो भी आरक्षण है वो 100% होगा। धन्यवाद सर। तो हमारा चर्चा यही था कि आखिर में जो मराठा आरक्षण का जो बिल पास हुआ है 10% का, वो कितना कारगर है, क्या कोर्ट में टिक पाएगी, और मनोज जरागे पाटिल का जो है ओबीसी से ही आरक्षण चाहिए ऐसा क्यों जीत करके बैठे हुए, तीन सब विषय हम चर्चा कर रहे थे। आपको क्या लगता है, आपकी भी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है कि आप क्या मानते हैं कि आरक्षण जो मनोज जरांगे पाटिल का है, जो अभी जो चालू है जिद, वो कितना जायज है? तो अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स लिखिए और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। और हमारा रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।